लैपटॉप सब यूज़ करते हैं, सबको ज़रूरत पड़ती है, सबको ख़रीदना भी होता है, और लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक बार इन्वेस्ट करते हो 3-4 साल के लिए। कोई भी ऐसा बंदा मेरे को नहीं लगता होगा कि आज उसने लैपटॉप ख़रीदा, नहीं अच्छा लग रहा 2 महीने बाद खरीद देगा। तो लैपटॉप खरीदते टाइम हमें काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आपको लैपटॉप खरीदते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। मैं हूं अभिषेक कुमार, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में अपने दोस्तों को, फैमिली को, सबको शेयर करना ताकि वो लोग लैपटॉप लेते टाइम गलती ना करें। और ऐसे आने वाले मस्त मस्त टेक वीडियोज़ के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। तो पहले बात कर लेते हैं जो कि आपको ऑन पेपर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, वो कौन सी सारी चीज़ें जो आपको देख के लेनी चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है मेनली लैपटॉप में देखा जाए तो वो मेनली होता है आपका रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर। इन सब मैं भी बोलूँगा, मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर की बात करें, अभी के टाइम में लैपटॉप में इंटेल के कुछ प्रोसेसर्स आते हैं और एक नए AMD के राइजन प्रोसेसर आते हैं। अगर आप मैकबुक ले रहे हो तो फिर उनका अभी M1 नए प्रोसेसर आते हो तो एप्पल की बात फिर थोड़ी अलग हो जाती है। और नॉर्मल बजट लैपटॉप की बात करें तो इंटेल और राइजन के प्रोसेसर आते हैं। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा, आप आज के टाइम में 2020 में i5 से कम प्रोसेसर तो ना ही लें, और कोशिश करें कि 10 जनरेशन का लें, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 9 जनरेशन का ले लें, अदरवाइज 10 जनरेशन का लें। क्यों? जो जनरेशन जनरेशन वाइज आगे कंपनी बढ़ती है ना, तो इनके साथ साथ वो काफ़ी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करती है, बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करती है, जो आपका प्रोसेसर पावर कंज्यूम करता है उसको कम करती है। अगर राइजन के प्रोसेसर्स लेते हैं तो राइजन में आप राइजन 5 से कम तो ना ही लें, और बस इंटेल और राइजन में इतना डिफरेंस है, दोनों ही अच्छे काम करते हैं। अगर आज के टाइम भी देखा जाए राइजन के प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस में काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक इशू और है, हीटिंग का इशू और बैटरी का इशू। वो दूसरी ऑब्वियस चीज़ आती है, मेमोरी। अब मेमोरी जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है, बेसिकली मेमोरी आपके लैपटॉप की स्पीड को कुछ बढ़ाती नहीं है, लेकिन जो तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो ना उसे थोड़ा इफ़िशेंट बना देती है, या फिर आपने कोई एक पहले काम किया उसे अगर दोबारा आपको करना है तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़िशेंट हो जाती हैं। बेसिकली मेमोरी जो होती है, और सिंपल लैंग्वेज में बोला रैम, रैम जो होती है आपका जो ओपन डेप वगैरह है उन्हें कंट्रोल करते हैं। जितने ज़्यादा आपकी रैम होगी उतने ज़्यादा अच्छा मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। अगर एक नॉर्मल लैपटॉप है तो मैं बोलूँगा कि 8 GB से कम रैम तो ना ही लें। आपका लैपटॉप जो है ना वो आता है पोर्टेबल डिवाइस में, तो पोर्टेबल डिवाइस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए हो जाता है बैटरी बैकअप। जैसे स्मार्टफोन या फिर कोई भी और गैजेट है, बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप लेते टाइम अब अगर किसी आपके जानने वाले ने वो वाला लैपटॉप यूज़ किया या फिर ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हैं कि इस लैपटॉप का ओरिजिनल बैटरी बैकअप क्या है। नॉर्मली जो कंपनियां बैटरी बैकअप क्लेम करती हैं ना वो काफ़ी करती हैं, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप होता है, जो क्लेम बैटरी बैकअप होता है, वो जनरली लैपटॉप नहीं दे पाता है। मैं अभी HP का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, उसका बैटरी बैकअप जो क्लेम किया था 6-6.5 घंटे, लेकिन उसने मेरे को कभी भी 3.5 या 4 घंटे से ज़्यादा का बैकअप नहीं दिया है। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। आपने लैपटॉप लिया है, आपका अगर बेसिकली आप ऑफिस का काम करते हैं फिर स्टूडेंट भी हो आज के टाइम में, तो बेसिकली आपका ज़्यादा टाइम कहाँ जाएगा? वो जाएगा लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए, तो जो कि आपकी आइस को सीधा सीधा इंपैक्ट करती है। इसका मतलब कि डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आइस को ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। डिस्प्ले की बात करें तो उसमें मेनली 2 टाइप के डिस्प्ले आपको देखने को मिलते हैं, एक IPS डिस्प्ले होती है, एक OLED डिस्प्ले होती है। बेसिकली OLED डिस्प्ले का क्या है, उसमें आपको बेटर कलर देखने को मिलते हैं, मतलब कि अगर कोई भी कलर है तो उसकी कलर एक्यूरेसी जो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। दूसरी बात आती है IPS डिस्प्ले की। IPS डिस्प्ले को अगर देखें तो IPS डिस्प्ले में आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर आपको थोड़ा टिल्ट भी कर दें स्क्रीन को तब भी आपको स्क्रीन जो है वो क्लियर अच्छे से दिखेगी। अब रेजोल्यूशन क्या होता है, आपने देखा होगा 720p पे वीडियो चल रही है या फिर 1080p पे या फिर 4K पे वीडियो चल रही है, ऐसे ही ना डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी होता है। मैं रिकमेंड करूंगा फुल HD से कम ना ही लें। फुल HD का मतलब है जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो 1080p होना चाहिए। आप 1920x1080 कम से कम लें आज के टाइम में। अगली बात आती है टच लैपटॉप लें या फिर ना लें। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है, लेकिन मैं उसकी टच स्क्रीन बहुत रेयरली, पिछले 6 महीने में मुश्किल से मैंने उसकी टच स्क्रीन जो 2-3 बार यूज़ की होगी, वो भी सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए या फिर कोई क्लिक करने के लिए। बेसिकली कहने का मतलब है लैपटॉप का जो टच स्क्रीन वाला आप लैपटॉप लोगे 10 या 15 हज़ार उसमें प्राइस इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन जो आप अगर रियल लाइफ में यूज़ करोगे ना उस टच स्क्रीन का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो। थोड़ी सी बात कर लें प्रोसेसर की डीप में। बेसिकली ना जो i5 देख लोगे, i7 लोगे, i9 लोगे, Ryzen 5, Ryzen 7 लोगे, ये सारी चीज़ ना मॉडल्स के नाम है। आप ये सारे मॉडल्स ले लोगे, पता चला उसके बाद भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। प्रोसेसर में जो मेनली परफॉर्मेंस डिपेंड करता है ना वो पड़ता है क्लॉक फ्रीक्वेंसी से। बेसिकली आप अगर किसी वेबसाइट पे उस लैपटॉप के और मैं इंटरनेट पे या कहीं पे सर्च करोगे तो उसमें एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी करके प्रोसेसर की लिखी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगी तो वो 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा टास्क आपके परफॉर्म कर पाओगे।
जैसा कि पता होगा कि जो भी लैपटॉप में चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं, बेसिकली कोडिंग होती है। तो इसका मतलब हो गया ज़्यादा क्लॉक फ्रीक्वेंसी, वो एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा कोड रन कर पाएगा, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम तेज हो पाएगा। तो ज़्यादा क्लॉक फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा तेज़ काम होगा। बेसिकली जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं ना उनमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, लाइक 3.4 गीगाहर्ट्ज़, 4.0 गीगाहर्ट्ज़। सिंपली याद रखना है, ज़्यादा क्लॉक फ्रीक्वेंसी मतलब कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, ज़्यादा जल्दी काम होगा, और दूसरी बात आती है वो ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम करे। अगली बात करते हैं रैम की। 8GB, 16GB, 4GB ये सारी रैम की बात तो हो जाती है, देखने को मिल जाती है। DDR5 आ चुकी है लेकिन फिर भी DDR4 ज़्यादा चल रही है और अभी भी इंटेल उसी को यूज़ कर रहा है। अगर कोशिश करें DDR5 मिल जाए, नहीं मिलती है तो DDR4 लें, DDR3 ना लें, वो आउटडेटेड हो चुकी है। अगली जो चीज़ है वो आपको लैपटॉप में देख के लेनी है, वो लेनी है थर्मल थ्रॉटलिंग। बेसिकली थर्मल थ्रॉटलिंग का होता है, लैपटॉप पे जब आप कुछ काम कर रहे हो तो वो धीरे धीरे ना हीट करता जाता है। अगर वो हीट कर जाएगा ना तो उसके बाद हीट को कम करने के लिए जो लैपटॉप का सॉफ्टवेयर है जिस कंपनी ने बनाया है ना, वो आपकी प्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी कम कर देती है, हीट को कम करने के लिए उसका परफॉर्मेंस डाउन कर देती है। बेसिकली हीटिंग की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस डाउन होता है ना, उसे बोलते हैं थर्मल थ्रॉटलिंग। तो ये चीज़ आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं जो लैपटॉप लेने वाले हैं उसके बारे में, या फिर वीडियोज़ देख सकते हैं, या फिर किसी आपके जानने वाले ने वो लैपटॉप यूज़ किया तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो थर्मल थ्रॉटलिंग अगर किसी लैपटॉप में होनी है तो अगर आपका ऑन पेपर कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस हो वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो जनरली लोग इग्नोर करते हैं, आप लोग स्टोरेज तो देख लेते हो कितना ज़्यादा कितना कम है, लेकिन उससे ज़्यादा आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है स्टोरेज किस टाइप का लगा हुआ है। बेसिकली SSD वाला स्टोरेज और हार्ड ड्राइव स्टोरेज दो टाइप के आते हैं, SSD और HDD। SSD की स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है, आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो बूस्ट हो जाएगा। कई बार देखा होगा प्रोसेसर अच्छा है, रैम अच्छी है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो स्टोरेज है ना, हार्ड ड्राइव जो लगी हुई है वो ज़्यादा तेज नहीं है, इसलिए मॉडल में SSD लो। दूसरी बात, SSD आपका बैटरी कम कंज्यूम करते हैं, इसका मतलब बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। तीसरी बात, SSD के खराब होने के चांसेस ना हार्ड ड्राइव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। हार्ड ड्राइव मैकेनिकल काम करती है और SSD वो चिप्स पे काम करती है, तो SSD ज़्यादा सेफ भी है। चौथी बात, हार्ड ड्राइव में ना डाटा करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, वो मैकेनिकली काम करते हैं तो खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, SSD में खराब होने के चांस काफ़ी कम है, या फिर बोले नेग्लिजिबल। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, अगर आपको थोड़ी हेल्प हुई लैपटॉप खरीदने में, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर मारें ताकि लोगों को ज्ञान बढ़ पाए और वो लैपटॉप अच्छा अच्छा लैपटॉप ले पाएँ और आपको थोड़ी तारीफ मिले। और चैनल को आगे वाले आने के लिए ऐसी मस्त मस्त ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचाए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।